हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह सुबह ही हम लगे किसी काम में। आज मैं बना रही हूँ नींबू का अचार। तो ये देखो, यहाँ पे बकेट में नींबू पड़े, इनको पहले ये देखो मैंने पानी गर्म कर दिया ना, इस पानी में हल्का सा बॉईल करना है, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा। बस मैं ये सारे नींबू इसमें डाल दूंगी। तो ये नींबू थोड़े से हमने उबाल लिया, अब हम इनको धूप में रखेंगे पूरा दिन भर। और मैं बताती हूँ आपको, ये देखो इतने गर्म करने की, बस ऐसे थोड़े से इतने इतने दबने लायक हो जाए, इतने इतने बस। हाँ ये देखो, बस अब इनको धूप में रहने देंगे पूरा दिन भर और पूरी रात भर बाहर ही ऐसे, और कल बनाएंगे हम इनका अचार। तो चलिए अचार बनाना करते हैं शुरू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिन नींबू बाहर रखने, पूरा दिन भर धूप में और पूरी रात भर। तो यहाँ पे मैं मसाला बना रही हूँ नींबू के अचार के लिए। तो यहाँ पे मैंने जीरा और जो साबुत धनिया है वो ले लिया है। बहुत से लोग बोलते हैं साबुत धनिया से ख़राब हो जाता है, बट हमारा अचार आज तक कभी साबुत धनिया से ख़राब नहीं हुआ है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसको ऐड ना करें, तो सिर्फ जीरा ही ऐड करें। तो यहाँ पे इसको अच्छे से भून लेना है, अच्छे से मतलब काला नहीं करना है। ये मैं इसलिए भुना है ताकि ये अच्छे से जब मैं इसको पीसूँ तो आसानी से ये पिस जाए, दरारा सा करना है, और दरदरा करना है। तो यहाँ पे जो नींबू है उनको मैं कट कर लूँगी, दो दो पीसेस में कट करना है। आप चाहे तो एक ही नींबू में दो कट लगा के, जैसे नींबू जुड़ा रहता है ना और चार पीस करते हैं हम लोग नींबू के, उस तरीके से भी कर सकते हैं कि वो एक तरफ से जुड़ा रहे और ऊपर से दो कट लगा दिए, बट मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं इसके दो दो टुकड़े कर दूँगी, फिर ये बाद में ईजी रहता है खाने के लिए। तो वो मैंने नींबू पूरे कट कर लिए हैं और अब मैं मसाला पीस रही हूँ। तो ये जीरा और धनिया जो है, ये तो नींबू के अचार में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं हम नहीं डालते हैं, बाकी आप अपने तरीके से जैसे भी बनाते हो वैसे बना सकते हो। तो ये देखो मसाला मैंने दरदरा सा पीस लिया है, और अब मैं सरसों का तेल है, इसको अच्छे से पकाना है, मतलब जब तक इसमें से धुआं ना निकले, तेल कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो ये देखो तेल अच्छे से पक गया है, धुआं निकल रहा है। इस टाइम पे गैस बंद कर देनी है, गैस जली नहीं रहने देनी है। और इसमें मैंने ऐड कर दी है हल्दी। तो हल्दी सबको पता है एंटीबैक्टीरियल होती है, और कलर भी अच्छा आता है हल्दी से अचार में। और यहाँ पे ये लाल मिर्च पाउडर है जो कि अपने ही घर का है। आप लाल मिर्च पाउडर अगर आपके पास घर का नहीं है तो आप लाल मिर्च जो है साबुत ला सकते हैं बाज़ार से, उसको हल्का सा फ्राई करो और उसके बाद अगर उसको मिक्सी में ग्राइंड कर दो तो भी जो है वो चिली फ्लेक्स टाइप की बन जाती है ना, तो वो भी आप डायरेक्ट वैसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, नमक थोड़ा नींबू में ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि उसमें खटाई भी है, और अचार में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो तो अचार लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो ये जो मसाला मैंने पीसा था वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। तो ये पूरा मसाला मैं ऐड नहीं करूँगी, जो मैंने पीसा था पूरा नहीं ऐड करना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था। तो ये मैंने ज़्यादा इसीलिए पीसा था ताकि ये घर में भी बाद में भी काम आ जाए। तो बस अब हम कर देंगे इसमें ऐड ये नींबू, तो थोड़ा सा बचा के करना है, मेरी तरह एकदम से नहीं डाल देना है, आराम आराम से। और गैस एकदम बंद है, गैस हम बाद में ऑन करेंगे। तो ये नींबू डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मेरा तरीका है, मैं आपको ये नहीं बोलती हूँ कि आप भी इसी तरीके से बनाओ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बना सकते हो, अगर नहीं अच्छा लगता है तो ना बनाएं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला, मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा मसाला हम इसमें और ऐड करेंगे। ये मसाला देखो मैंने ऊपर से ऐड कर दिया इसमें, मसाला मतलब वही जो सूखा धनिया और जीरा हमने पीस रखा है वो। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है और मिक्स कर लेंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन, तो मिर्ची भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कम ना हो जाए, तो मैंने लाल मिर्च जो पाउडर है वो भी डाल दिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर, क्योंकि ये बना रहे हैं हम खट्टा मीठा अचार। आप चाहे तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी चीनी से भी, शक्कर से थोड़ा सा जो है टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, और इसकी जो ग्रेवी सी बनती है ना हल्की सी अचार में जो बनती है वो बहुत अच्छी बनती है शक्कर से। खैर चीनी से भी गाढ़ापन वैसा ही आता है, तो ये टोटली ऑप्शनल है शक्कर। अगर आप शक्कर नहीं है तो आप चीनी ऐड कर सकते हो, और ये आपको थोड़ा अंदाज़ा खुद से ही लगाना पड़ेगा कि आपको कितना मीठा चाहिए कितना खट्टा चाहिए। तो ये लास्ट में मैंने इसमें ऊपर से अजवाइन डाल दी है। अजवाइन चाहे तो आप पहले भी डाल सकते हैं, बट मैं पहले भूल गई थी तो मैंने इसको बाद में ऐड कर दिया है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है, भूल भी जाते हैं, इंसान ही तो है। तो बस इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे
एक जार में। तो ये कांच का है जो जार मैंने लिया है, और ये अचार के लिए ही है स्पेशल, पहले भी इसमें अचार ही था। तो इसको मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया है, बिल्कुल गीला नहीं रहना चाहिए क्योंकि पानी जो है वो अचार का दुश्मन होता है। तो ये देखिए, ये अच्छे से अचार डाल दिया है और अचार हमारा बिल्कुल रेडी है। हेलो हेलो। तो नींबू का अचार मैंने बना दिया है, 2 दिन से प्रोसेस चल रहा था। तो ये रहा यहाँ पे डब्बे में, और खीर जो हम बना रहे थे वो बन के यहाँ पे ये देखो रेडी है। हमने गुड़ वाली बनाई है, मतलब गुड़ वाली कैसे बनाते हैं, जब खीर पूरी तरह से पक जाती है ना, फिर उसमें लास्ट में गुड़ डालते हैं। अगर साथ ही साथ डाल दो तो कई बार फट भी जाती है खीर, जैसे गुड़ से फटती नहीं है, पर रिस्क क्यों लेना ना इतनी सारी खीर को खराब करने का। और अभी धूप निकल गई है, बादल भी है बट धूप भी निकल गई है। मैं अभी नहा के आई हूँ, थोड़ी देर बैठूंगी बाहर, बाल सुखाऊंगी। 1:15 हो रहा है अभी, और 1:15 हो रहा है, बाल सुखाऊंगी, खाना खाना है, अभी लंच नहीं किया है हमने। तो चलो खाना खा लेते, फिर उसके बाद करती हूँ बाल, थोड़ी देर बाल सुखा लेती हूँ धूप में बैठ के। बच्चे मूवी देख रहे हैं, उनको उनके मामू ने, मतलब आदित्य के मामू ने वीडियो डाउनलोड करके पेन ड्राइव में डाल दिए, एनिमेटेड मूवीज़ बस उनको लगा दिया। वो 1-2 घंटे के लिए 1-2 घंटे के लिए वो व्यस्त हो गए हैं, अब बिजी है, अब कोई शोर नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं। तो बस यही है आज का अपडेट। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है, बाल गीले रहे तो मेरे सिर में बहुत जल्दी दर्द हो जाती है। आई डोंट नो और किसी को भी ये दिक्कत होती है कि नहीं, मतलब अगर मैं गीले बाल लेके बैठी रहूँ थोड़ी देर तो मेरे बालों में ना, मतलब बालों में नहीं, सिर में बहुत दर्द लग जाती है। तो मैं यहीं पे बाल सुखा भी लूँगी और साथ ही साथ कम ही भी कर लूँगी, सुलझा लूँगी बालों को। तो कितना गान लग रखा तुम भाभी से, आपको करो हाय करो। शक्ल ठीक ही है, ये देखो अब धनिया में कितने अच्छे फूल आ गए। ये रहा यहाँ पे धनिया, और काफी बड़ा बड़ा हो गया ये। यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको, एक मिनट, ये देखो। और ये जो सरसों पड़ी है ना वहां पे, ये एक्चुअली खेत के बीच में सरसों लगी है, जो कि बहुत ही मतलब ख़राब चीज़ है, क्योंकि फिर से उसके, अगर इनको सरसों को खेत में से ना निकालो तो फिर उसके जो दाने होते हैं वो झड़ते झड़ते रहेंगे उसमें, फिर वो अगली फसल को और ख़राब करेंगे, फिर वो अगली फसल में भी उगते रहेंगे। तो इसलिए इसको पहले ही निकाल दे रहे, इससे पहले कि ये सूख जाए और सूख के इसके दाने गिरे। तो वो जो सबसे ऊपर वाला खेत है ना, वहाँ पे पीला इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो जौ है और वो ऑलमोस्ट पकने ही वाले हैं, बस थोड़े दिन की कसर है, 4-5 दिन की। तो बस बाकी ये देखो यहाँ पे खेत हमारे हरे भरे, और फिलहाल धूप निकली है, बादल भी है, इस साइड नहीं है, ये देखो इस साइड काले बादल है, मतलब अभी बारिश के आसार है, हो सकती है। ये रहा हमारा प्यारा सा घर। ये हमारे पड़ोसियों का घर, ये यहाँ पे भी घर है, और ये ऊपर एक गांव है अलग। ये देखो धनिया जब पकने लगता है ना तो ये ऐसा होता रहता है, ये देखो इससे निकलेंगे दाने, इसके बनेंगे दाने, ये देखो वैसे तो बहुत लोग से लोगों ने देखा होगा, बट जिन्होंने नहीं देखा होगा तो ये देखो ये बनता है, ऐसे बनेगा ये साबुत धनिया। ये देखो दाड़ू के पेड़ में भी, सॉरी, ये देखो इसमें भी आने लग गए हैं ये फूल, ये देखो दाड़ू मतलब अनारदाना, नाशपाती का पेड़ है, इसमें छोटी 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 नाशपतियां लगनी अब शुरू हो जाएंगी, ये देखो। तो शाम के 6 बज गए हैं और यहाँ पे चाय जो है वो खोल चुकी है अच्छे से, बिस्किट का पैकेट अगेन 4 ग्लास,
आज पापा खेत में चले गए। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था ना कि मम्मी बैल का पता करने के लिए गई है, तो वो जिनके बैल है वो अपने बैल लेके खेत में आ गए थे, तो अब चले गए हैं खेत को। थोड़ा सा क्योंकि बारिश की वजह से मिट्टी सॉफ्ट हो गई है तो हल चलाने में ईजी रहता है, तो बस वहां लेके जानी है चाय, मतलब जहां पे वो मैंने आपको दिखाया था ना नाला, नाला जैसा है जहां पे हम बावड़ी जाते हैं उसके सामने उस तरफ वाले जो खेत हैं वहां पे जाना है। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग भी यहीं पे एंड कर देती हूँ क्योंकि व्लॉग मैंने एंड किया नहीं था, तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर अच्छा लगे तो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मैं बोलूँ सब्सक्राइब करना है, आप खुद समझदार हो, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। मम्मी गए हैं एक्चुअली हमारी जो वो थी ना बॉटल जो फ्लास्क होता है वो नीरज को दे दिया था हमने उस दिन जिस दिन वो धर्मशाला गए थे चाय डाल के, तो वो एक ही था एक कहीं और है, तो दोनों में से एक भी फ्लास्क यहाँ पे नहीं है, तो गए यहीं यहीं पे फ्लास्क लाने के लिए। पहले नीचे गए थे पर नीचे वाले घर में कोई नहीं है ताई जी के घर पे, तो अब ऊपर से ला रहे हैं। ताई के घर पे कोई भी नहीं था तो ऊपर जो दादी है दानिश की बुआ है उनसे लेने गए, तो बस उसमें डालेंगे चाय और फिर जाएंगे। तो चलो फिर बाय। लिए साफा उत्तर, ये तो डबल डबल बॉटल है। आप बोलोगे कि व्लॉग एंड कर दिया, और ये रही चाय और ये ग्लास और ये सॉरी स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ बट मिस्त्रियों के लिए चाहिए होती है या जो भी काम करने आते हैं उनको चाहिए होती है। जो गांव के लोग हैं वो समझ सकते हैं, जो नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे। तो बस हम चलते हैं खेत की तरफ। आदू तो कभी भी ना उल्टा ही काम करता है, इधर से चलो आप उधर नीचे एक किलो रुपया। चलो तेसके लगने तेस दूजी बार आपू तैयार ना करना। ये रही वो रजमरिया मैं उस दिन दिखा रही थी आपको जिसपे उस दिन ये बंद थी ना, धीरे धीरे ये ऐसे खुलनी शुरू हो जाएगी और ये वाला खाने के काम आता है। हमारी वैसे अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको हीर बोलते हैं, हीर कहीं पे आंखें बोलते हैं ससुराल की तरफ। ये देखो तो इसको ऐसे करके खा लेते हैं, बहुत टेस्टी होती है।